नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंच फैमिली के एक और एपिसोड में। दोस्तों, हर कोई मुझसे जानना चाह रहा है कि पंच की असल में वेटिंग पीरियड है कितनी। मैंने इस पर काफ़ी सारी वीडियो बनाई लेकिन मैं लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया और कुछ लोग तो मेरे खिलाफ भी हो गए। तो दोस्तों, आज मैं टाटा मोटर्स के एक एग्जीक्यूटिव से अपने कन्वर्सेशन की एक ऑडियो क्लिप आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप उसको सुने और अगर आपको कुछ डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो ये रहा ऑडियो, इसको जरूर सुने आप। तो ये अपना जो टाटा पंच जो लॉन्च हुआ है आपका, हाँ, ये इसमें मतलब वेटिंग पीरियड कितनी चल रही है आपकी? ऐसे इसमें देखिए, वेटिंग पीरियड मॉडल टू मॉडल है। आपका जो जो बेस वेरिएंट है प्योर, उसका वेटिंग पीरियड आपका 9 महीने का है। 9 मंथ का है। ओके, ये मतलब कि ऑल ओवर इंडिया। मैं आपको काम करता, मैं आपको ना पंच का वेटिंग पीरियड आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। वो तो मुझे पास है, 32-34 वीक करके जो एक है। आप एवरेज में पकड़ लो, प्योर को अगर हटा दो बेस मॉडल को, हाँ, बेस मॉडल का 9 मंथ है, उसके अलावा बाकी मोटा मोटी 4 महीना है। ये ऑल ओवर इंडिया का आपका है? ये ऑल ओवर इंडिया, हाँ, फैमिली एक ही वेटिंग दे सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अभी जो अगर बुक करेंगे उसको कम से कम 8-9 महीने वेट करने पड़ेंगे प्योर वेरिएंट नहीं के लिए। अगर कोई प्योर करेगा, हाँ, अगर कोई प्योर में भी दो मॉडल है, मतलब दो है, एक रिदम है, रिदम का 7 महीना है जो कि एक्सेसराइज पैक है, मतलब कि वो ग्लांस पे लग जाता है, कुछ एडिशनल फीचर्स है, तो वो रिदम में आपका 7 महीना है और जो बेस एकदम विदाउट कोई एक्सेसरी या विदाउट इसके ये है उसका 9 महीना है। हाँ। अगर प्योर के ऊपर हम लोग जाते हैं एक्सम्पलिंग वगैरह फेस्टिवल, तो उसमें क्या है कि वही आपका 4-5 महीना, मतलब आप तो आप मोटा मोटा जो है 5 मंथ का एवरेज पकड़ के चल सकते हैं, मतलब अदर देन प्योर 5 मंथ का है। तो मतलब ऐसा रीजन क्या हुआ कि इतना मतलब वेटिंग चला गया आपका? नहीं, वेटिंग का कारण ये क्या है कि प्लांट में प्रोडक्शन लिमिटेड हो रहा है और बुकिंग ज्यादा आ रही है। तो अगर अब वही सिंपल चीज हो गया ना कि मेरे घर में 4 रोटी बन रही है, ज्यादा लोग आ जाएंगे तो लोगों को खाना कम मिलेगा, अगर सबको खिलाना है, नहीं तो फिर 2 ही लोगों का पेट भर। तो अभी जैसे पहला महीना 8,500 गाड़ी बनी, ठीक है, फर्स्ट मंथ अक्टूबर प्रोडक्शन था और बुकिंग काफी आई, तो उस हिसाब से ये हुआ। पिछले महीने भी बुकिंग आई ज्यादा, अक्टूबर भी ज्यादा आई, लेकिन पिछले महीने गाड़ी 6,500 ही बनी, क्योंकि क्या हो रहा है कि माइक्रो जो चिप का जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पाया। तो इन फ्यूचर जाके क्या ये कम हो जाएगा कि आपका ज्यादा ही रहेगा? नहीं, ये आपका प्रोडक्शन जनवरी तक आने बढ़ाने का। हाँ। अगर माइक्रोचिप वाला माइक्रो प्रोसेसर का जो है अपना कंडक्टर का इश्यू सॉल्व हो जाता है, हाँ, तो अपना प्रोडक्शन ये बढ़ जाएगा, तो फिर गोइंग फॉरवर्ड क्या धीरे 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 वेटिंग पीरियड कम होने लगेगा थोड़ा सा। ओके, मतलब अभी के लेकिन करंट के डेट में 9 महीने के मॉडल में जाता है महीना पकड़ के चलिए 4-4 महीना, तो क्या है कि ट्रांजिट टाइम भी 7-8 दिन है, रजिस्ट्रेशन भी 2-3 दिन लगता है। तो आप ये तो प्लान के लोग बता रहे हैं ना कि 4 महीना 1 हफ्ता, तो उसका तो 10 दिन भी लगना भी है उसमें ट्रांजिट और रजिस्ट्रेशन में। तो वही है कि 4-4.5 महीना के एवरेज लग जाएगा। चलिए, थैंक यू जानकारी के लिए आपकी, ठीक है।